देखिए, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डाइसेक्ट एट पॉइंट पी एंड क्यू, यहाँ पर दिया हुआ, देन ए और बी का रिलेशन क्या होगा, ए एंड बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए, एक पी पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -4, और एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले पॉइंट लाइन को इस पे दो पॉइंट जो है, अच्छा ये पी क्यू ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, यहाँ पे इसका दूसरा नाम लेते हैं ए ले लेते हैं, और यहाँ पे ये बी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे हैं पी एंड क्यू जो इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट है a-2 और इसका कोऑर्डिनेट है 5/3, b। ठीक है, तो यहाँ जो रेशियो होगा 1:2 होगा, और यहाँ रेशियो जो होगा 2:1 होगा। हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो एक एक करके पी पॉइंट को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे यही सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 और ये वाला होगा x2 y2। फार्मूला तो जानते हैं, सेक्शन फार्मूला यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, m x2 + n x1 / m y2 + n y1 / m n। यही ना लगाएंगे जी। चलिए, तो P पॉइंट के लिए नहीं, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ a-2 दिया है, तो क्या करेंगे, 1, ये m/n है, ठीक है, 1 × 1 + 2 × 3 / m + n, यानी कि 1 + 2, 1 × 2 + 2 × -4 / 1 + 2। चलिए अब देखते हैं, a-2 इधर हो जाना है आपका 1 + 6/2 2 × 3 हो जाएगा, समझ रहे ना बात को। चलिए, और यहाँ हो जाएगा 2 - 8/3, a-2 और इधर हो जाना है आपका 7/3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, -6/3, ये कट जाएगा 2 times -2 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू अगर देखा जाए तो 7/3 हो जाएगा। तो a का 7/3 यही ना आपको ऑप्शन में दिख रहा है, और कहीं तो 7/3 है नहीं, तो इसको लेने की जरूरत ना है, हम लोग इसी से यह वाला आंसर कह सकते हैं। बात को समझे ना जी, हमें जब a का वैल्यू 7/3 मिल ही गया तो हमें b निकालने की क्या जरूरत है, यहाँ तो ऑप्शन में यही एक दिख रहा है ना, नहीं तो आप इसको लेकर फिर वही सेक्शन फॉर्म लगाते हैं इन दोनों को लेकर, तो फिर हमें बी के बनेंगे, तो निकालने की जरूरत क्या है, हमारा ए मिल गया तो यही से हमें पता चल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40